हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन एक नई श्रृंखला की शुरुआत वो करने जा रहे हैं जिसमें कि जो राजस्थान में सीईटी की जो एग्ज़ाम होनी है जिसमें कि दो लेवल हैं, पहला है ट्वेल्थ लेवल और दूसरा है ग्रेजुएशन लेवल। तो ट्वेल्थ लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसको अपन आज से पढ़ना है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, जो सिलेबस था उसका डिस्कस है वो पहले एक वीडियो में अपन कर चुके हैं। अब उस सिलेबस के अनुसार जो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको अपन हल यहाँ पे करेंगे, मतलब सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको अपन यहाँ हल करेंगे। तो आज सबसे पहले जो टॉपिक अपन ने लिया है वह कंप्यूटर का परिचय, जिसमें कंप्यूटर के कार्य विशेषताएं और जो विकास यात्रा है, हमले के कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और उसकी जो विकास यात्रा क्या है, हमले जो उसका इतिहास क्या है और उसकी जो जनरेशन हमले पीढ़ियाँ वो क्या क्या है उसको यहाँ से अपन पढ़ना वो आज से स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है वो है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा होता है उसको स्टोर भी कर सकती है, प्रोसेसिंग भी कर सकती है और उसका आउटपुट प्रदान कर सकती है और जो परिणाम होते हैं उनको भविष्य के लिए स्टोर करके भी रख सकता है। तो पहले का उत्तर हो गया कंप्यूटर, मतलब उत्तर दो हो गया उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, मतलब दो नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। मतलब दूसरा क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा चार्ल्स बेबेज। मतलब कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्ष 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद में उन्होंने एनालिटिकल जो इंजन था उसका आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला जो कंप्यूटर प्रोटोटाइप है उसका निर्माण किया गया था। इन सभी के कारण है वो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का आविष्कारक या फिर कंप्यूटर का जन्मदाता है वो कहा जाता है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, तीन नंबर का क्वेश्चन देखना है अपन को। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। मतलब जो कंप्यूटर शब्द है उसकी उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है। तो इसका सही उत्तर है लैटिन। मतलब जो कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। जो कंप्यूटर शब्द है और जिसका अर्थ होता है गणना करना या कुछ जोड़ना, मतलब कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति कंप्यूट भाषा के लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना या कुछ जोड़ना होता है। उसके बाद में चार नंबर का जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर की विशेषता है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर की विशेषता है वो कौन कौन सी है। तो कंप्यूटर की विशेषता इसमें उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। मतलब कंप्यूटर परिशुद्धता, मतलब शुद्ध परिणाम देता है। उसके बाद में बहुउपयोगिता, मतलब इसके उपयोग अपन एक से ज़्यादा वो कर सकते हैं। अगला है गति, मतलब कंप्यूटर जो कार्य करने की गति है वो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कंप्यूटर की अन्य विशेषताओं में देखें तो स्वचालित होता है। मतलब कंप्यूटर है वो एक बार अपन कोई भी उसमें डाटा डाल देते हैं और उसको कमांड देते हैं तो ये स्वचालित रूप से कार्य है वो करता है। दो अगले है जैसे त्रुटि रहित कार्य, तो ये जो भी कार्य करता है वो त्रुटि रहित है वो करता है, मतलब कि शुद्ध परिणाम अपने को प्रदर्शित करता है। उसके अलावा इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो भी बहुत अधिक होती है, जिसमें कि अपन बहुत सारे डाटा को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और जब अपन को आवश्यकता हो तब उनको वापस प्राप्त है वो कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मतलब तो चार नंबर का क्वेश्चन था उसका वो विशेषता वालों में तो उपरोक्त सभी उत्तर था उसका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर पाँच, अभी अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर फाइव, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हैं।
मतलब जो कंप्यूटर होता है उसके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है डेटा संकलन, मतलब कि डेटा कलेक्शन, तो डेटा को कलेक्ट करता है। उसके बाद दूसरा है डाटा स्टोरेज, मतलब डाटा संचलन। और अगला है पद्धत प्रोसेसिंग, मतलब डाटा प्रोसेसिंग करता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, मतलब कंप्यूटर वो पद्धत संकलन भी करता है, पद्धत संचलन मतलब डाटा का संकलन भी करता है, डाटा का संचलन भी करता है, डाटा पे प्रोसेसिंग भी करता है। तो कंप्यूटर के कार्य में इसका जो उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंप्यूटर पांच मुख्य कार्य, मतलब पांच मुख्य कार्य ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है, जो इनपुट आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल है। तो इसमें क्या है, इन्होंने दिया कि इनपुट आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल, मतलब कि जो इसमें खालिस्तान इन्होंने दिया है, इस खालिस्तान के अंदर है वो क्या आना चाहिए। तो खालिस्तान में आएगा प्रोसेस, मतलब प्रक्रिया। मतलब कंप्यूटर को अपन इनपुट देते हैं, इनपुट देने बाद में उसको क्रिया करता है, क्रिया को करने बाद में आउटपुट देता है और उसको स्टोरेज करके वो रखता है। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसका उत्तर होगा 2, मतलब प्रोसेस क्रिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला इन्होंने दिया कंप्यूटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रलेखों के संग्रहण, उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटिंग भी करता है कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग भी करता है, प्रलेखों के संग्रहण के काम में भी आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद में क्यों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब शिक्षा में जो इसका उपयोग किस किस में होता है। तो पहला इन्होंने दिया शोध उपकरण के रूप में, दूसरा दिया है शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, तीसरा है प्रबंधन आउटपुट के रूप में, प्रबंधन उपकरण के रूप में, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, मतलब शोध कार्य में भी काम में लिया जाता है ये, शिक्षण अधिगम मशीन मतलब सिखाने में भी काम में आता है, और प्रबंधन उपकरण इसके रूप में भी ये काम में आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके अलावा जो कंप्यूटर के और जो उपयोग होते हैं वो जैसे डाटा का प्रोसेसिंग करना है, वैज्ञानिक अनुसंधान में काम में लेते हैं, शिक्षा में तो यहाँ बताया रखा है, रेलवे और वायुयानों के जो आरक्षण होते हैं उनमें काम आता है ये, रक्षा मतलब डिफेंस में भी काम में आता है। उसके अलावा अंतरिक्ष है, संचार है, उद्योग व्यापार है, मनोरंजन है, प्रशासन है, इन सभी में इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। अगला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान है वो किन किन के लिए उपयोगी है। तो पहला दिया श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापकों के लिए। तो कंप्यूटर का ज्ञान तो सभी के लिए उपयोगी होता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी के लिए, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान है वो उपयुक्त सभी के लिए उपयोगी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर के क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 10 का विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया। तो इसमें इन्होंने दिया है IBM, HCL, CRC और CDEC। तो इसके अंदर इसका जो उत्तर होगा वो होगा CRC, मतलब विश्व के जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण CRC के द्वारा किया गया था। और जो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो था क्रेफेस्ट, मतलब क्रेफेस्ट था जो कि 1976 में विकसित किया गया था। इसके जो निर्माण करने का श्रेय है वो अमेरिका के करे रिसर्च कंपनी को जाता है। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए जो सेमर करे हैं उनको सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता है वो माना जाता है, मतलब कि सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे माना जाता है, सेमर करे को माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वह है
सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अभी अपन ने पढ़ा था कि सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो सेमुर करे को जाना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, संसार का पहला गणना यंत्र क्या है? मतलब संसार का पहला गणना यंत्र क्या है? तो संसार का पहला गणना यंत्र है अबेकस। जो अबेकस है इसका जो आविष्कार है वो चीन में किया गया था, जो कि जो आंकीय गणना है उसके लिए काम में आता था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। 13 नंबर का क्वेश्चन है, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? मतलब पहले मैकेनिकल कंप्यूटर है उसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज के एच एफ आर एस, मतलब इनके द्वारा वो की गई थी। तो जो चार्ल्स बेबेज ने वर्ष 1822 में डिफरेंस इंजन का भी आविष्कार किया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगले नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? मतलब एनालिटिकल इंजन है ये किसने बनाया था? तो एनालिटिकल जो इंजन है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, जिसका कि जो निर्माण का कार्य है वो 1833 में प्रारंभ किया गया था, और इसका डिजाइन है वो 1835 में प्रस्तावित हुआ था, और 1842 में ये पूर्ण रूप से बन के वो तैयार हो गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था, मतलब बेबेज का जो विश्लेषणात्मक इंजन है वो कब प्रस्तावित किया गया था? तो जो विश्लेषणात्मक इंजन है वो 1835 एडी में प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 है, यह है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर उसका आविष्कार है वो किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था एलन एम टरिंग, मतलब एलन एम टरिंग है इनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर उसका आविष्कार किया गया था, और जो मार्कोनी है इनके द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था, और जो अलेक्जेंडर ग्राम बेल हैं इनके द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, और जो एमिली बर्लिनर हैं इनके द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार है वो किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर का क्वेश्चन है, वह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, मतलब प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है उसमें? वैक्यूम ट्यूब, मतलब प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता है उसमें वैक्यूम ट्यूब है उसको प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, एनआईएक कंप्यूटर था, मतलब जो एनआईएक कंप्यूटर था वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो एनआईएक था प्रथम पीढ़ी का। जो एनआईएक है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जो 19 नंबर का क्वेश्चन है वह है, प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा शक्ति, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस ने शक्ति का जो विकास और डिजाइन है वो किया था। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, मतलब वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया जो पहला कंप्यूटर वो कौन सा था? तो वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवाक, जो जिसका जो प्रथम कार्य है वो 1951 में अमेरिका में जनगणना के लिए प्रदत्त है वो किया गया, मतलब इसको सबसे पहले प्रयोग में अमेरिका में लिया गया था 1951 में, जनगणना ब्यूरो है उसको ये प्रदान किया गया था। तो आज के लिए इतना बहुत है, मतलब 20 क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे अपन ने अभी यहाँ हल किए थे।
उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सभी में आगे से 20-20 क्वेश्चन है वो अपन लेते हुए चलेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।